फाइन, तो देखो ये हमारा कौन सा मॉड्यूल होगा स्टूडेंट, हाँ ये हमारा 7 मॉड्यूल होगा। फाइन, तो देखो इसमें बहुत कुछ समझना है हमें, इसके बारे में समझना है, तो समझते हैं स्टूडेंट। देखो प्लानिंग स्ट्रेटेजिक वेरियस पर्सपेक्टिव है ना। अब ये सब प्लान जितना भी बताया गया, सब प्लान के बारे में तुम लोग जानते हो, ये सब प्लान पढ़ चुके हो ना, विस्वेरिया प्लान हो गया, गांधीयन प्लान हो गया, मुंबई प्लान हो गया, पीपल्स प्लान हो गया, ये सभी के बारे में तुम लोग जानते हो, करेक्ट, सबके बारे में अच्छे से जानते हो। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या क्या चीज़ हमें समझना है, विस्वेरिया प्लान में, विस्वेरिया प्लान में तुमको समझना है स्टूडेंट कि क्या था ये चीज़, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स था, बताओ तो क्या ऑब्जेक्टिव्स था। ये 1930 के डिस्कोर्स में ये फैसला किया गया था, उस 1930 में बहुत डिबेट चला था हमारे भारत में कि किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें ये पहला एक्चुअली हमारा सबसे पहला फर्स्ट ब्लूप्रिंट है, समझे, ये फर्स्ट ब्लूप्रिंट है कि हमारा भारत में प्लानिंग कैसा होना चाहिए, इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग। और इसमें हम पूरा फोकस किए थे कि जब भारत आजाद होगा तो हमें कहां ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, याद आया तुम लोगों को, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे क्या बोला गया था, 10 साल में कम से कम हमारा नेशनल इनकम डबल होना चाहिए, और प्राइम जो फोकस है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी वेरिया प्लान है, ठीक है। इसमें कहाँ फोकस किया था, इंडस्ट्रियल, क्योंकि जो एग्रीकल्चर पे जो 80 से लेकर 90% लोग डिपेंडेंट है वो किसी तरह माइग्रेट हो सके इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब गांधीयन प्लान देखते, देखो गांधीयन प्लान 1944 में आया है, वेरी वेरी सिंपल, और इसमें देखो एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस, यानी कि एग्रीकल्चर और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस है पूरी तरीके से, और ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज था ताकि विलेज हमारा जो है वो सेल्फ सस्टेंट हो सके, यानी कि विलेज को दूसरे जगह से डिपेंडेंट होना ना, सही बात है। उसके बाद आते हैं मुंबई प्लान, मुंबई प्लान तुम्हारा क्या बहुत ही कैपिटलिस्टिक था, यानी कि केवल इसमें हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री का ज्यादा फोकस किया गया। इसमें क्या था कि जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स होगा इंडस्ट्री खुद बनाए, यानी कि जो आदमी को जरूरत है वो बाहर से इंपोर्ट ना करे, बाहर स्वयं उसको प्रोड्यूस करे। दूसरी बात क्या, एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर करना है बट इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है, बात समझे। और इसमें भी कॉटेज इंडस्ट्रीज और सोशल वेलफेयर पे बात था, बट जो सबसे डिफरेंट प्रोग्राम था, दैट इज अ पीपल्स प्लान, जो एमएनवाई ने पुट फॉरवर्ड किया था 1949 में, इसमें तुमको सोशल एलिमेंट देखने को मिलेगा स्टूडेंट, सोशल एलिमेंट, समझे। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी तरह फोकस है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आदमी का रोजमर्रा का जो चीज है उस पर फोकस करना। तो हम कह सकते हैं कि मुंबई प्लान और पीपल प्लान में यही अंतर है कि मुंबई प्लान में ये सोशलिस्ट पैटर्न नहीं था, बट पीपल प्लान में सोशलिस्ट पैटर्न था, यानी कि सोशलिज्म वाला चीज हमको दिखता है, और इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही बल दिया गया था, समझ गया ना। तो इसमें देख सकते हो स्टूडेंट, बहुत सारी चीज देख सकते हो तुम लोग, इसमें देखोगे तुम कि जो मेन डिफरेंस, वही बोला कि जो मेन डिफरेंस था मुंबई प्लान का और पीपल प्लान का, कि मुंबई प्लान में पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट फीचर्स था, बट पीपल प्लान में क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिक नेसेसिटी के आसपास का बात था, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब एक चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या क्या इवेंट हुए हैं बीच में, ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं। पहला पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान लागू होने से पहले क्या क्या चीज हुआ है कंट्री, देखो 1947 हमारे लिए सबसे बड़ा ईयर, हम आजाद हो गए, सिंपल। 1948 देखो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ से पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। 1948 में क्या हुआ कि IFCI एज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनकर भारत में आया। अब याद करो अभी नेबिट बिल पास हुआ था ना, एक्ट बन गया ना, हम इकोनॉमिक समय पढ़े कि नेबिट पास हुआ था ना, उसमें भी DFI बनाने का बात ही था ना, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने का बात था। आखिर क्या होता है DFI? DFI देखो, DFI का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे उसका जेसेशन पीरियड बहुत लंबा होगा, जेसेशन पीरियड जानते हो ना, 20 साल के लिए 25 साल के लिए, तो तुरंत इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगा, नहीं तुरंत प्रिंसिपल चुका पाएगा, इसके लिए इसको बड़ा स्पेस मिलना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। बट ये तुम लोगों को समझना होगा कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय, जब भारत आजाद हुआ था उस समय, तो उस समय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कोई प्रोग्राम नहीं था, उस समय इंडस्ट्री ही इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक तरह से इंडस्ट्री के लिए ही तुम्हारा DFI बनाया गया था, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए प्राइम प्रायोरिटी था ना, हमारे लिए इंडस्ट्री बनाना ही एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो जो DFI जो बनाया गया, पहला जो DFI वो क्या है, IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा देखो, समझ में आ गया 1948 का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, कि हमारा पहला फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गठन किया गया उस समय, और अभी भी है, IFCI खत्म नहीं हुआ, बट अभी बैक स्टेज पे चला गया, उसका काम उतना रिलेवेंट नहीं है। दूसरा देखो, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC हम जानते हैं, फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जो तुम्हारा 1948 में स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है, और ये काउंसिल असेंबली ऑफ इंडिया में ही है, तुम्हारा बातचीत किया गया था, और उसी के आधार पे यहां पे इसका शिलान्यास किया गया था, समझ गए, वेरी वेरी। और हम जानते हैं कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बिल्कुल US का जो मॉडल है वहां से हम सीखे हैं, रीजनल प्लानिंग के बेसिस पे, याद है ना। अब देखो स्टूडेंट, अब 1949 RBI को नेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि RBI जानते हो कि 1935 का है ना, उसका 1935 एक्ट में भी उसका प्रोविजन है, बट नेशनलाइज किया है भारत सरकार के अंदर, ये कब आया, 1949 में आया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड है तुम्हारा 1949। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1950, और जानते हो 25 जनवरी 1950, जानते हो इस दिन बहुत कुछ बना है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है, दूसरा तुम्हारा प्लानिंग कमीशन भी बना है, समझ गए। तो प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग कमीशन के जो एक्स ऑफिशियो रहेंगे, चेयरमैन यानी प्राइम मिनिस्टर क्या रहेंगे, उसके चेयरमैन रहेंगे, तो समझ गए ना ये डेवलपमेंट हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कि आखिर ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, 5 ईयर प्लान में हुआ क्या। अब देखो स्टूडेंट, इसे समझने वाली बात है कि जो पंचवर्षीय योजना था हमारे लिए, अब हमारा टारगेट तो बहुत ज्यादा था, बट हमारा टारगेट ज्यादा था, बहुत ज्यादा टारगेट, मतलब टारगेट देखो, टारगेट हम बहुत कम रखे, सॉरी माई मिस्टेक, टारगेट हम बहुत कम रखे, बट हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। टारगेट हम केवल रखे थे कि 5% 5 साल में हमें 2.1% के हिसाब से ग्रोथ करना है, बात समझे, यही हमारा टारगेट था, बट हम कितना एक्चुअल में कितना मूव कर पाए, एक्चुअल में हम बहुत अच्छा मूव कर पाए, समझे, यानी कि 3.6% मूव कर पाए,
तो इसमें देखो उस समय का क्या सर्कमस्टेंसेस था और कौन सा मॉडल हमने अडॉप्ट किया है, सभी ईच एंड इंडिविजुअल पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। सर्कमस्टेंसेस क्या था, लार्ज स्केल फूड ग्रेन्स इंपोर्ट, बाहर से बहुत फूड ग्रेन्स आता था क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, समझे, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे स्टूडेंट। दूसरा क्या है, प्रेशर राइज का, यानी कि दाम बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन था कंट्री में, बहुत महंगाई था, समझे। और दूसरी बात है कि इंडिया पाकिस्तान हुआ है तो रिफ्यूजी का सबसे बड़ा बर्डन था हमारे कंट्री में, समझ गए, और बाकी कंट्री पे, दूसरे कंट्री पे हैवीली डिपेंडेंट थे हम इंपोर्ट के लिए, यानी कि डॉलर होगा तभी बाहर से हम सामान मंगवा पाएंगे, ये स्थिति था हमारा। तो ये सब स्थिति को देखते हुए हमने कितना टारगेट किया, ओनली 2.1% टारगेट किया कि ये 5 साल में मात्र हमें 2.1% अचीव करना, क्योंकि स्थिति ऐसा था, बट सरप्राइजिंगली हम बहुत ज़्यादा अचीव कर पाए, ठीक है, जितना सोचे थे उससे ज़्यादा अचीव कर पाए। अब यहाँ समझना होगा तुमको कि जो पहला जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सब ज़रा एग्रीकल्चर फोकस किया गया, इंडस्ट्री में सेकंड ईयर प्लान किया गया, सेकंड जो फिफ्थ ईयर प्लान था उसमें सब ज़रा तुम्हारा फोकस कहाँ पे किया गया, इंडस्ट्री पे, बट पहला जो है तुम्हारा वो कहाँ पे किया गया, एग्रीकल्चर पे किया गया। एग्जांपल समझो, जो गुलजारीलाल नंदा थे वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जानते हो तुम लोग, एग्रीकल्चर और इरीगेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया और यहाँ पे कितना पैसा खर्च किया गया, लगभग 31% पैसा, यानी कि 31% पैसा खर्च किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या मॉडल अडॉप्ट किया हमने, हमारा मॉडल क्या था स्टूडेंट, हमारा मॉडल जो था ये हमारा मॉडल का नाम है हैरोडोमर मॉडल। अब एक क्या खास बात है इसमें, देखो इसमें खास बात यह है स्टूडेंट कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे इंपॉर्टेंस दिया गया था, क्योंकि कंट्री में जितना सेविंग होगा, जितना पैसा बचेगा उतना बैंक में जाएगा और जितना बैंक में जाएगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, इसी को बोलते हैं हैरोडोमर मॉडल, समझ गए ना। अब देखो इसमें बोला कि यदि सेविंग रेट 10% हो तो कैपिटल आउटपुट रेशियो 3 है, तो इसे क्या होगा, तुम्हारा 3.3% से हम ग्रोथ करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, देखो कंफ्यूज नहीं होना, तुमको आयकर बताया गया ना, इंक्रीमेंट कैपिटल रेशियो, आयकर में क्या था 3:1, यानी कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, चलो 3:1, ठीक है, देख लो ना यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ 3:1 और दूसरा केस लेट से 5:1, यानी कि हम तीन को, पहला केस देखो, फर्स्ट केस क्या है 3:1, यानी कि हम 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए तब जाके हमारा 1 करोड़ का रिजल्ट आया, और दूसरा क्या है कि यदि 5 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट किए तो उसे हमारा क्या हुआ 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो बेटर कौन सा है 3:1, तो इसी को बोलते आयकर। तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो 3 होना चाहिए और सेविंग रेट कितना 10% होना चाहिए, यानी कि 3 करोड़ लगाए तो 1 करोड़ का बचत होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। यदि ऐसा होता है स्टूडेंट तो 10/3 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा जो ग्रोथ रेट होगा कंट्री का 3.33% होगा, इस तरह निकाला जाता है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को, समझ गए ना। अब देखो और इसमें और क्या सोच क्या समझने वाली बात है, स्ट्रेटजी देखो, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या था, इसके पीछे स्ट्रेटजी ये था कि ग्रोथ रेट रिवॉल्व्स अराउंड द इंक्रीजिंग, जब तक हम सेविंग रेट बढ़ाएंगे और कैपिटल आउटपुट रेशियो घटाएंगे, जैसे देखो 5:1 यानी कि 5 हो जाएगा और 3:1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो जितना कम हो यानी कि 3 बेटर है एज कम्पेयर टू 5, यानी कि देखो केस फर्स्ट वन में केस फर्स्ट क्या किया 3:1, यानी कि हमने 3 करोड़ लगाया 1 करोड़ को कमाने के लिए, दूसरा केस क्या है 5:1, यानी कि 5 करोड़ लगाए तो उसे 1 करोड़ कमाए, तो फर्स्ट वाला बेटर है, इसलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि पहला फर्स्ट केस का कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हुआ 3 हुआ, 3:1 मतलब 3 हुआ, और दूसरा केस क्या है 5:1 का मतलब 5 हुआ, तो जितना हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा यानी कि 3:1 दैट इज 3 उतना बेटर है, यही तुम्हारा क्या है हैरोडोमर मॉडल यहाँ पे। तो बेसिकली लेमन टर्म में बात किया जाए स्टूडेंट, तो लेमन टर्म्स में यही बात होगा इसका कि हमें क्या करना है, इसमें हमें सेविंग बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, और आयकर वैल्यू क्या करना है जितना हो सके उतना कम करना है, आपको समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो अब कहाँ तक हमारा सक्सेस हुआ है और कहाँ तक हमारा नहीं हुआ, द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस एलिमेंट ऑफ फेलियर देखते हैं। अब देखो सक्सेस तो हुआ है, कहाँ हम 2.1% का टारगेट किए थे और कहाँ हमारा 3.6 अचीवमेंट हुआ है, बहुत बड़ी बात है। पहला ये, हाँ देखो फूड ग्रेन प्रोडक्शन 66 मिलियन टन हुआ जबकि हमारा टारगेट कितना था 61 मिलियन टन था, तो ये भी फायदा ही हुआ हमको, यानी कि 5 मिलियन टन ज़्यादा ही हम किए हैं। दूसरा क्या बात है कि चूंकि हम बहुत ज़्यादा ही एग्रीकल्चर पर ध्यान दिए, इससे क्या हुआ कि जो प्राइस था, जो महंगाई था वो घटा, इसका हमें बेनिफिट मिला, प्राइस बहुत घटा। उसका देखो मैनी मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट भी किए गए उस समय, तो इसका भी एडवांटेज है, इरीगेशन के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। नेशनल इनकम देखो 18% से बढ़ा, विच इज वेरी वेरी गुड, और पर कैपिटल इनकम 11% से बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि नेशनल एज अ होल उसको भी फायदा हुआ है और पर कैपिटल इनकम यानी कि इंडिविजुअल का भी बहुत बेनिफिट हुआ है। और इतना ही नहीं, हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एग्रीकल्चर पर दिया, इरीगेशन पर दिया और पावर प्रोजेक्ट पर दिया, जो कि डायरेक्ट तुम्हारा फार्मर से रिलेटेड होगा, तो कह सकते हो ये एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस है हमारा। अब दूसरा देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ फेलियर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वेर नेग्लेक्टेड, यहाँ पे पीएसयू को ध्यान नहीं दिया गया, पीएसयू को एक्चुअली ध्यान दिया गया तुम्हारा सेकंड फिफ्थ ईयर प्लान से, बात समझे ना, जो तुम्हारा प्रोफेसर महलानवी साहब आके दिए थे इंडस्ट्रियल रेजुलेशन प्रोग्राम जो था 1956 का, वो चीज़ को इंप्लीमेंट किए थे सेकंड ईयर प्लान में, बताएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे पीएसयू को उतना बल नहीं दिया गया, ऑनली देखो केवल 6%, देखो 31% एग्रीकल्चर को दिया गया ना इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए, इसमें केवल 6% फंड तुम्हारा किसके लिए दिया गया, पीएसयू के लिए दिया गया है, इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया स्टूडेंट। और दूसरी बात है कि इसमें द प्लान, एक तो दूसरा डिफरेंस ये कि हमने बस टारगेट ही बहुत कम लिया था 2.1% जीडीपी का, जब हमारा एम इतना कम है और इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता था हमें लगता है कि हमने बहुत सक्सेस कर लिया, क्योंकि हमारा टारगेट ही बहुत कम था, बट हमारा टारगेट बहुत कम था उसके पीछे भी रीजन था, रीजन क्या था बताए हैं, क्योंकि कंट्री में रिफ्यूजी का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे कंट्री पर हम डिपेंडेंट है अपने बेसिक नीड्स के लिए, तो ये सब रीजन था। तो यदि हम देखेंगे कि यदि हम पूरी तरीके से देखें, जो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट था, जो दुविधा प्रेजेंट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि यस ये हमारा सक्सेस स्टोरी रहा है फिफ्थ ईयर प्लान, ठीक है, विदाउट डाउट। अब समझते हैं स्टूडेंट, तो इस बीच में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, यू नो दैट बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या क्या डेवलपमेंट है समझो यहाँ पे, इसमें हमें समझना होगा स्टूडेंट बहुत कुछ समझने के लिए। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1951 से लेकर 1956 तक, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट जानते हो, जो कि 1948 में बना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से,
तो 1951 में देखो, 1951 में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लाए, सही बात है ना, 1951 से लेकर 56 तक लागू होगा। और जो पहला जो फर्स्ट IIT है तुम्हारा, जो फर्स्ट IIT है खड़गपुर का, कौन से ईयर में आया तुम्हारा, 51 में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 52 में क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए प्लान था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधरी फर्टिलाइजर, सिंधरी फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड, ये भारत का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, बताओ कहाँ पे, सिंधरी ओडिशा में, ओडिशा में होगा, चेक कर लेना ओडिशा। तो पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारा 1952 में स्टैब्लिश हुआ। 1952 में देखो हीराकुंड डैम बनकर तैयार हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हीराकुंड डैम बनकर तैयार हुआ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देख सकते हो तुम लोग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो जनरेट करने लगा पावर तुम्हारा, जनरेशन ऑफ पावर बाय दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, लाए थे 1948 में, सिलेनास किए, उसके बाद 1953 में ये पावर जनरेट करना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया है, जो टाटा का जो था एयर इंडिया, उसको भारत सरकार ने अपने अंदर ले लिया, और जानते हो मोदी जी ने फिर से लौटा दिया उसको अभी फाइनली 2021 में जाकर। ये 1953 का डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1954 देखो, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय, ठीक है, AET 1954 में हुआ। ये क्या है, यही बात जाके BARC बना, बात जिसको कहते हैं, सुने हो तुम लोग बात, बाकी मतलब जो भारत का जो सबसे बेस्ट साइंटिफिक इंडस्ट्रीज होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, जैसे देखो अभी अभी कितना कुछ हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, CSIR है ना, उसी तरह तुम्हारा ये AEET यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप बाद में जाकर BARC का रूप लिया है। बट सबसे पहले कहां बना, कब बना था, 1954 में बना है। 1955 में देखो, 1955 हमारे लिए बहुत ही सुगद साल था, क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एक तुम्हारा वही इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन फाइनेंस बना तुम्हारा बेरमपुर में, नंबर वन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये बना है 1955 में। दूसरी बात देखो, ICICI, आज तुम देखते हो ICICI को बैंक के रूप में देखते हो, उस समय उसको DFI के रूप में बनाया गया था 1955 में। ये समझने वाली बात है कि ICICI जो देखते हो ना, अभी बैंक देखते हो ना, अभी तो यूनिवर्सल बैंक हो गया, उस समय DFI के रूप में बनाया गया था। और किसने प्रमोट किया था, वर्ल्ड बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ये तीन बॉडी मिला के, हाँ, DFI के रूप में। कौन सा मतलब इंडस्ट्री, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल गई, समझे, मिल गई। अब देखो और भी डेवलपमेंट हुआ 1955 में, क्या है तुम्हारा, भाखड़ा नांगल डैम का कंक्रीट रखा गया फर्स्ट, नेशनलाइज किया, उसे किया गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट तैयार हुआ उस समय, ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जानते हो SBI को नेशनलाइज किया गया। SBI पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था इसको, SBI को, इन 1955 में जाके भारत सरकार ने लिया। और देखो RBI को 60% स्टेक मिला है, और उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने RBI को ले लिया, तो पूरी तरीके से अब RBI को गवर्नमेंट ने ले लिया ना, तो SBI अपने अंदर रख लिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना, पब्लिक सेक्टर बैंक बना लिया उसको। देखो अभी समझने वाली बात है कि SBI नेशनलाइज हुआ, यूजुअली RBI का 60% इसका स्टेक में था, बट RBI खुद तुम्हारा, RBI खुद तुम्हारा सरकार का हो गया, तो सरकार आराम से इसको अपने अंदर ले ली। जानते हो कि ये क्या है, SBI क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में किसका चलता है, सरकार का चलता है, RBI को उतना नहीं चलता, हम जानते हैं प्राइवेट बैंक में ज्यादा RBI का चलता है। तो समझे, ये तुम्हारा 1955 का डेवलपमेंट है, तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आगे देखो, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड फाइव ईयर प्लान के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो हम लोग देख लिए स्टूडेंट, पहला समझ में आ गया ना पहला, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में ऐसा क्या खास बात है। देखो हम कितना टारगेट किए, 4.5% टारगेट किए, एक्चुअल कितना हुआ, 4.3% हुआ। उस समय सर्कमस्टेंसेस क्या था, परचेसिंग पावर हम खो दिए थे, यानी कि करेंसी ना, करेंसी का परचेसिंग पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा, समझे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं हमारे लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्राइसिस का टाइम था हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम PSU पे ध्यान नहीं दिए थे, अभी PSU पे अब ध्यान देंगे। तो गोल्स क्या था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन ऑफ 1956। देखो एक रेजुलेशन पास किया गया था जहाँ पे कहा गया था कि हम इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, समझे, हम इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, और प्रोफेसर मौलाना अवीसी थे इसके पायनियर। अब इसमें पूरी तरीके से फोकस किया कि जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज है उस पर ज़्यादा हम ध्यान लगाएं। क्या होता है बेसिक्स, यानी कि देखो कैपिटल गुड्स का बनने का, यानी देखो अब जो मोबाइल जैसे तुम अभी लिख रहे हो कलम से, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स, बट ये कलम को बनाने के लिए कैपिटल गुड्स चाहिए, मशीन सब, तो मशीन वाला चीज़ पे फोकस करें, मशीन वाला चीज़ पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। तो वही तुम्हारा क्या है, बेसिक्स और हैवी इंडस्ट्रीज सब है, ठीक है। 25 देखो इसे क्या हुआ, 25 इंक्रीज इन द नेशनल एंड थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका एम क्या था कि 25% क्या करना, नेशनल इनकम बढ़ाना है इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान टू भी कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो 7% से 11% करना है हमें नेशनल इनकम में। तो इसमें बहुत कुछ रखा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन में। अब इसका देखो इसी को कहते हैं मौलानाविस मॉडल, कि प्रोफेसर देख सकते हो, प्रोफेसर मौलानाविस बहुत बड़े आदमी थे, इनको डेटा का बहुत अच्छा नॉलेज था, इनफैक्ट इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है बंगाल फेमिन के टाइम में भी, बंगाल फेमिन के टाइम में बहुत अच्छा काम किए थे ये। अब देखो यहाँ तो मौलानाविस एक की इकोनॉमिक्स रहे हैं भारत के, स्पेशली सेकंड फाइव ईयर प्लान में इनका रोल पूरा है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन ऑर्डर टू रीच हाई स्टैंडर्ड इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग कैपेसिटी इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज द फर्स्ट नीड, इन्होंने क्या कहा कि यदि हमें हाई कंजम्पशन करना, स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले कैपिटल गुड्स में ध्यान देना होगा, वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। जैसे मैं वही बोला कलम कंज्यूमर गुड्स है, बट कलम को बनाने के लिए जो तुम्हारा कैपिटल गुड्स होगा वहाँ पे ध्यान देना होगा, तो वही बेसिक्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में क्या होगा कि हाई इनफ कैपेसिटी इन द कैपिटल गुड्स, और ज्यादा यदि कैपिटल गुड्स में हुआ इनफ कैपेसिटी जनरेट हुआ तो इसका फायदा कंज्यूमर गुड्स पे होगा और हम सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे कहीं ना कहीं, यानी कि इंडिया दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट देखो, प्लान वाज बेसिकली टॉप डाउन इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि ऊपर से नीचे शुरू होगा, यानी कि बिग इंडस्ट्रीज होंगे उसके बाद छोटे छोटे इंडस्ट्रीज इसमें आएंगे, तो ये तुम्हारा कह सकते हो टॉप डाउन अप्रोच था, समझे। देखो अब इसमें भी देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, इसमें हमें क्या एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस है और क्या हमारे पास एलिमेंट ऑफ फेलियर है। देखो ये पहली बार इट गेव राइज टू कॉन्सेप्ट स्टेट रन PSU, जो PSU को बात करते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, एक्चुअली यही टाइम है,
जहां पे पीएसयू को सबसे ज्यादा बल दिया गया कि स्टेट कंट्रोल करेगा पीएसयू और पीएसयू ही ग्रेट हाइट तक ले जाएगा कंट्री के डेवलपमेंट को, बात समझे। और बिल्कुल 1928 में जो रशिया में जो मॉडल आया था वहीं से हम प्रभावित हुए और वहीं से वही चीज को हमने कोशिश किया कॉपी करने का। बहुत सारे बिग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यहां पे खोला गया, यहां पे ध्यान दिया गया इस पीरियड में 1956 से लेकर 61 सेकंड ईयर प्लान में। फेलर क्या है, फूड का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि आप देखो आप तुमने क्या किया एग्रीकल्चर पे कम ध्यान दिया तो फूड शॉर्टेज होगा। एंड कैपिटल वेयर फेल्ड, जो कैपिटल जो दे रहे थे वो उतना नहीं हो पाया जितना हम सोचे थे, इतना इतना कैपिटल देने का कम पड़ गया। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो पैसा कमी है, यहाँ पे डॉलर ही नहीं है, तो इसलिए हमारा जो टारगेट सब था वो टारगेट नहीं हो पाया डेवलपमेंट टारगेट सब। एडवोकेसी ऑफ ह्यूज इंपोर्ट्स थ्रू फॉरेन लोन्स हैज गॉन डाउन वेल, हैज नॉट गॉन डाउन, यानी कि बार बार तुम बाहर से पैसा लेके जो इंपोर्ट करवा रहे हो वो भारत के लिए हक में नहीं था, वो बहुत नुकसान हुआ हमारा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम पूरा ओवरऑल देखें तो हमारा ये मॉडरेट सक्सेसफुल है, किस सेंस में कि टारगेट हमारा क्या था 4.5% था, बट हमने कितना अचीव किया 4.3, तो लगभग नजदीक है। बट क्या क्या नुकसान हुआ समझना होगा हमें कि फॉरेन एक्सचेंज बचाई नहीं हमारे पास, इसलिए डेवलपमेंट टारगेट ठीक से नहीं हो पाया। दूसरी बात है कि ह्यूज इंपोर्ट करवाना फॉरेन लोन से, ये हमारे लिए सही नहीं था। तो कितना बार तुम बाहर से पैसा लेगा, यानी कर्ज लो ही पियो, ये तो लॉन्ग टर्म में सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बात समझ गया ना। ये तुम्हारा सेकंड ईयर प्लान था। अब यहाँ समझते स्टूडेंट, इस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं कंट्री में, समझ गया, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो क्या क्या डेवलपमेंट है देखो, 1956 में बहुत सारे डेवलपमेंट, देखो इंडिया फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर है ना अफसरा स्टार्ट हो गया है ना, अफसरा जानते हो ना, फर्स्ट एटॉमिक हमारा वही न्यूक्लियर रिएक्टर अफसरा स्टार्ट किया 56 में। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आया है, इसी की वजह से तुम्हारा सेकंड फाइव ईयर प्लान चला है, समझे। LIC का एस्टैब्लिशमेंट होना है, कितना इंपॉर्टेंट ईयर है, देखो तो LIC अभी भी LIC कितना इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में। और जो देखते हो कि जनरल इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो 1970s में आया था, याद रख लेना या फिर लिख लेना तुम, 1970s में जनरल इंश्योरेंस का बात आया, बट LIC वाला कॉन्सेप्ट 1956 में LIC लाया गया, और खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन भी बनाया गया था 1956 में। तो 57 देखते हैं, हीराकुंड डैम का इनॉग्रेशन हुआ 57 में, और 58 में स्टूडेंट IIT मुंबई बना, IIT मुंबई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, IIT मुंबई बना, ठीक है। और नेफेड का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1958 में, क्या होता है नेफेड, नेफेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसके लिए गया। 1959 देखो, फर्स्ट टाइम टेलीविजन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, देखो पहली बार भारत में टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो। एंड गवर्नमेंट पास SBI सब्सिडी बैंक्स, आप देखो यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से 8 बैंक्स जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब तुम्हारा SBI का सब्सिडी बन गया, यानी कि 8 बैंक जो प्रिंसली स्टेट्स का था वो सबको SBI का सब्सिडी बना दिया गया, यानी कि RBI के नीचे कर दिया गया और हम मर्ज कर दिया गया, बिल्कुल मर्ज। और 1959 में IIT मद्रास और IIT कानपुर, देखता है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझे। तो ये सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे थर्ड फाइव ईयर प्लान में क्या क्या फायदा हुआ है। देखो थर्ड फाइव ईयर में टारगेट कितना था 5.6, बट एक्चुअल में कितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए, ओनली 2.8%, यू सी द, यानी कि हाफ अचीव कर पाए, क्या स्थिति था। देखो इसमें इतना कुछ हो गया ना हमारे कंट्री में, देखो ना सीरीज ऑफ इंसिडेंट, देखो चाइना वार हो गया पिट गए हम, कहाँ हम अपने डेवलपमेंट के लिए बना रहे थे सामान सब, अब डिफेंस डेवलपमेंट के लिए बनाएंगे, तो हमारा फोकस शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ चाइना वार की वजह से। फिर नेहरू जी जो कि 16-17 साल तक रूल किए इस कंट्री को है ना, उनका डेथ होना, यानी कि इतना बड़ा लीडर खत्म होना, मतलब लीडरशिप क्राइसिस। पाकिस्तान वार हो गया, हाँ अटैक किया था ना पाकिस्तान वार, बिल्कुल 65 का, उसका लाल बहादुर शास्त्री का डेथ, बताओ बड़े बड़े लीडर का डेथ, ताशकंद जानते हो ताशकंद फाइल, 1966 और उसके बाद 1965 और 66 बहुत बड़ा ड्रॉट आ गया था स्पेशली बिहार रीजन में, तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था हमारे कंट्री, यही कारण है कि हम नहीं कर पाए। हालांकि देखो अब हमें क्या लगने लगा कि पहला फिफ्थ ईयर प्लान सक्सेसफुल, सेकंड फिफ्थ ईयर प्लान भी हम लोग सक्सेसफुल है, मॉडरेट सक्सेसफुल, तो हमें क्या लगा कि अब वो स्टेज आ चुका है जहाँ पे हम उड़ जाएंगे, अब टाइम है सेल्फ रिलायंट होने का, बट हम पिट गए यहाँ पे। जैसे दो बार कॉन्फिडेंस मिला हमको 10 साल का, बट ये कॉन्फिडेंस इसमें हमें पूरी तरीके से सेटल हो गया, तो हमें लगा कि अब इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे आ गया, यानी कि यहाँ से पीछे मुड़ नहीं सकता, बट इसी में हम फेल कर गए, बात समझे। की एरिया फोकस क्या था कि देखो आत्मनिर्भर भारत, यानी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना, हम पिट गए पूरी तरीके से। इसमें हमारा फोकस क्या था स्टूडेंट, डेवलपिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को फिर से डेवलप करना, ठीक है, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना क्योंकि देखो फूड का किल्लत होगा ना इसलिए, एंड इसमें जो रीजनल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट अपना ठीक है बट रीजन को भी डेवलप करना जरूरी है, ये हमारा की फोकस एरियाज था। और मैं बता चुका हूँ क्या क्या इंसिडेंट हुआ इस बीच में, यानी कि 1961 से लेकर 1966 का बात था। दो बहुत बड़ी चीज, एक स्पेशली देखो जो कन्फ्लिक्ट हुआ इंडो चाइना वार और पाकिस्तान का जो वार है, इसके वजह से हम शिफ्ट हो गया। अब देखो हम डेवलपमेंट तो कर ही रहे थे, बट अब डेवलपमेंट करेंगे इसका डिफेंस एंड डेवलपमेंट हो गया, यानी कि डिफेंस रिलेटेड सामान बनाओगे, डिफेंस रिलेटेड सामान मंगवाओगे, तो तुम्हारा जो कैपिटल गुड्स जो बोल रहे थे कंज्यूमर गुड्स को दोगे बनाने के लिए, उस पर फोकस कम हो जाएगा, यानी कि आपका जो कंज्यूमर गुड्स है उस पर फोकस कम हो जाएगा, यानी कैपिटल गुड्स पे आपका कैपिटल गुड्स कहाँ ध्यान जाएगा, डिफेंस गुड्स पे ध्यान जाएगा, समझ गया ना। उसका देखो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो देखते हो अभी प्रोक्योर करता है ना हमारा PDS के लिए फूड सब, उसको 1965 में एस्टैब्लिश किया गया ताकि बाहर से जो सामान आए उसको स्टोर करके रख सके। ये स्थिति था कंट्री का 1961 से लेकर 1966 में, यानी कि थर्ड ईयर प्लान हमारा मिजरेबल फेलियर है बिकॉज ऑफ द वेरियस सर्कमस्टेंसेस। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो स्टूडेंट, इसमें देखो इसमें बहुत कुछ है, इसमें समझने के लिए देखो, अब 35 ईयर प्लान ये एबिसमल फेलियर है। इसका कारण क्या है, हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, दो बार हो गया बैक टू बैक 62 वाला और 65 वाला, चाइना और पाकिस्तान रेस्पेक्टिवली, और यही कारण है कि हमारा क्या कि फेमिन, और एक दूसरी बात है कि फेमिन भी आ गया था 65, इसके वजह से क्या हुआ कि हमारा फंड चला गया उधर ठीक करने में, फंड आ गया या डिफेंस को ठीक करने में, हमारा जो भी पैसा था वो सब चला गया उधर। फोकस देखो हमारा, फोकस देखो डिफेंस से लेकर डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सॉरी डेवलपमेंट से हमारा डिफेंस और डेवलपमेंट फोकस हो गया, वही चीज है। और इसे इनइक्विटी बढ़ गया इनकम और वेल्थ के टर्म्स में, और डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंस रीच द हाइस्ट, यानी कि बाकी कंट्री बताओ दूसरे कंट्री में पूरा डिपेंडेंट हो गए, 28% हमारा बढ़ गया,
बात समझे। और डोमेस्टिक बजट रिसोर्सेस तुम्हारा कितना था? ऑनली 59, यानी कि हमारा अपना खर्च हम नहीं निभा पा रहे थे। बाहर पे 28% डिपेंडेंट था, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है स्टूडेंट। द प्लान फेल मिजरेबली एज द ग्रोथ, क्यों? क्योंकि हम जो सोचे थे ग्रोथ रेट और जो हमारा हुआ है दोनों में बहुत अंतर है। हम सोचे थे कितना 5.6 होना चाहिए, बट हमें कितना हुआ? ऑनली हाफ हुआ है, 2.8%। समझ गए ना? आगे देखो, इस बीच में बहुत कुछ इंसिडेंट हुआ है, आप बीच का इंसिडेंट देख सकते हो स्टूडेंट। तुम लोग क्या कहे? देखो 1962 में देखो वही चाइना को लगा कि ठीक है टिबेट क्या है, टिबेट को ये हेल्प कर रहा है इंडिया, तो आ गया दखल देने के लिए हमको, है ना, कमर टूट गया हमारा उसमें। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1963 देखो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेवलप हुआ इंडिया में, ठीक है, उसे तुम्हारा देखो विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटीआई थ्रू एन एक्ट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लॉ से आया है तुम्हारा, ठीक है, आरबीआई के अंडर है ये। उसके बाद एआरडीसी बना, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बाद में जाकर वही तुम्हारा नाबार्ड के रूप में ले लेगा ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जाकर, ये 1963 में बना। उसके बाद देखो फिर से आईडीबीआई को, देखो आईडीबीआई को एज अ एस्टैब्लिश थ्रू एन एक्ट ऑफ डीएफआई, ठीक है, इसको डीएफआई बनाया है। शुरू में देखो आईडीबीआई शुरू में क्या था, आरबीआई का वो था, आईडीबीआई का बात कर रहे हैं, उसमें आईसीआईसी का बात था, इससे पहले आईसीआईसी का बात था। और अभी देखो आईडीबीआई को 1964 में देखो वहाँ पे आईसीआईसी था, हाँ, इसमें आईडीबीआई को फिर डीएफआई बनाया गया। एक्चुअल में आरबीआई शुरू में आरबीआई का वो क्या था, सब्सिडी था, बट उसको डीएफआई के रूप में 1964 में हमने बनाया। 65 में देखो सेकंड इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया कश्मीर को लेकर, है ना, पहला तो हुआ ही था शुरू में, समझ गए ना, शुरू में तो हुआ ही था स्टूडेंट। इसमें देखो और उसके बाद इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हुआ है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिल्कुल बताया 65 में, और सीएससीपी, देखो सीएससीपी है तुम्हारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंडेड करता है, याद है ना, 23 क्रॉप्स पे, ये सब चीज़ वहाँ पे बनाया गया उस समय। अब देखो अब बट क्या हुआ, चूंकि वार आ गया, बुरा एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो हम क्या किए, थ्री एनुअल प्लान, ठीक है, अब थ्री एनुअल प्लान पे हम लोग ध्यान देंगे। वाई द नीड वॉज फेल फॉर द थ्री, अब 5 साल नहीं, क्योंकि बहुत ही एबनॉर्मलिटी आ गया था उसमें, तो 5 ईयर प्लान मुश्किल है, इसलिए एक तरह से ये प्लान हॉलीडे है, समझे, ये प्लान हॉलीडे यानी कि ये अलग एक एक साल का है, अब 5 साल का नहीं है, क्योंकि 2 बार आ गया 62 में 65 में, इसलिए प्लान हॉलीडे आ गया। स्थिति इतना खराब, देखो पूरा फूड शॉर्टेज है, हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है, मिजरेबल फेलियर हो गया थर्ड प्लान का, करेंसी हमारा जो करेंसी है डिवैल्यू हो गया, हमको डिवैल्यू करना पड़ा था कि हमारा एक्सपोर्टर को हेल्प हो, जानते हो ना करेंसी डिवैल्यू करने की वजह से एक्सपोर्टर को फायदा होता है ना, हाँ, तो वो करना पड़ा हमें, और हमारा जो फोर्थ फिफ्थ ईयर प्लान था उसको हमको पोस्टपोन करना पड़ा, ये स्थिति में हम पहुंच गए थे स्टूडेंट, ठीक है। हाउ टू व्यू दिस एनुअल प्लान, जो एक एक साल का जो तुमको प्लान दिखता है, कैसे देखो 66 से 69 ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस पर मोबाइल, जितने भी रिसोर्स उसको मोबाइल किया, बफर स्टॉक क्रिएट करने का प्रयास किया गया, ठीक है, ताकि फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़े। टेक्निकल ब्रेक थ्रू और फेवरेबल मानसून, ये बहुत फायदा हुआ, और वीट प्रोडक्शन हुआ, जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाला है अभी कंट्री में, समझे, और इससे जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो थ्री एनुअल प्लान है ये फेलियर नहीं है, ये कुछ ना कुछ हमें बहुत कुछ देखे गया है। आगे देखो तो और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इस बीच में। 66 देखो ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसके बाद जानते हो कि इसी साल है ना लाल बहादुर शास्त्री का डेथ भी हुआ, तो ताशकंद डिक्लेरेशन था वो, इंडो पाकिस्तान वार का दोनों कंट्री ने स्वीकार किया, ठीक है, यूएन चार्टर के हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि 65 में लड़ाई हो गया था, तो वो डिस्प्यूट सुलझाने के लिए हम ताशकंद गए थे, जानते हो उसके बाद क्या हुआ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन 67 में स्टार्ट हुआ और ये 78 तक गया है, इसके वजह से वीट और राइस बहुत प्रोडक्शन बढ़ा के नहीं बढ़ा और कंट्री फूड सरप्लस नेशन बन के निकला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका देखो 1969 इसरो फॉर्म हुआ है अंडर विक्रम साराभाई, देखा, और 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया इंदिरा गांधी के टाइम, और लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक रहेंगे जो बाकी बैंक को लीड करेगा, इसलिए लीड बैंक स्कीम। होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।